नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, अगर आपकी नसों में भी ब्लॉकेज है तो आपकी ब्लॉक हुई नसों को खोलने का इलाज आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं। हाँ जी दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज की समस्या आम ही सुनने को मिल रही है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो इसके पीछे की वजह ब्लॉकेज हो सकती है। नीली रंग की नसें एक जगह रस्सी की तरह गुच्छे में इकट्ठी हो जाती है, जिसे वेरिकोज वेंस कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब आपका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है शरीर में और अच्छे से नसों में दौरा नहीं कर पाता है। नसों में ब्लॉकेज होने की बड़ी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल भी है। जो लोग बाहर का फास्ट फूड, ऑयली खाना और अनहेल्दी डाइट लेते हैं, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं, वजन उन लोगों का बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में ये समस्या कम उम्र में ही होने लगती है। अगर आपके नसों में भी ब्लॉकेज है तो आप लोगों को कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपने नसों की सारी गंदगी को बाहर निकाल देना चाहिए। तो कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं, कौन से वो इलाज हैं जो आप लोगों ने नसों की ब्लॉकेज के लिए फॉलो करना है? वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं वेरिकोज वेंस के ऊपर, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हो और आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा वेरिकोज वेंस से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ और इसमें मैं कुछ अलग नुस्खे आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो आप लोगों ने फॉलो करना है। तो चलिए सीधा बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला नुस्खा जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो है लहसुन और दूध का देसी नुस्खा। ये नुस्खा दोस्तों इतना कारगर है कि इससे बंद नसें तो खुलेंगे ही खुलेंगे, साथ ही जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है या फिर चोट लगने पर जिन लोगों को जो दर्द होता है ये भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने दूध में कुछ लहसुन की कलियों को उबाल लेना है और इसका सेवन कर लेना है। खाने में भी आप लोगों ने लहसुन का काफ़ी इस्तेमाल करना है। लहसुन वाले तेल से आपने अपने पाँव पे या फिर हाथों पे, जहाँ पे भी आपकी नसें नीली पड़ी हैं वहाँ पे आप लोगों ने मसाज करना है। वहीं दूसरा नुस्खा जो है वो है लहसुन, अदरक और गर्म पानी का काढ़ा। दोस्तों लहसुन और अदरक का सेवन अपने डाइट में अधिक करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही नसों की अंदरूनी सफाई करती है। लेकिन गर्मी में इसका सेवन लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो आप लोग ग्रीन टी, तुलसी, दालचीनी का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। गर्म गुनगुना पानी आप लोग लगातार पीते रहें, ये सब चीज़ें आपकी नसों को साफ करती है। वहीं तीसरा नुस्खा जो है वो है आप लोगों ने गर्म तेल से अपने बॉडी पे मसाज करना है। जो भी हिस्सा दोस्तों आप लोगों का बार बार सुन होता है वहाँ पे आप लोगों ने गर्म तेल की मसाज शुरू कर देनी है। आप लोग जैतून, नारियल, तिल या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अगर तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बिना गर्म करे ही आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल ऑलरेडी बहुत ही गर्म होता है, तो इसलिए उसको आप लोगों ने गुनगुना नहीं करना है। वैसे ही आप लोगों ने अपने बॉडी पे लगा देना है, जहाँ पर भी आपकी आपको लग रहा है आपका हाथ पांव सुन्न हो रहा है, आपकी नसें नीली पड़ रही है, वहाँ पे आप लोगों ने मसाज करना है। वहीं चौथा नुस्खा जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो है गर्म पानी से आप लोगों ने सिकाई करनी है। ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए गर्म पानी की सिकाई भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इससे मांसपेशियाँ और नसों को आराम मिलता है। गुनगुने पानी से आप लोगों ने रोजाना नहाना है। वही पांचवा नुस्खा जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो है हल्दी वाला दूध। सर्दी के मौसम में हल्दी वाला दूध आप लोग जरूर लें, लेकिन आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप लोग हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ा सा करें, ज़्यादा आप लोग हल्दी का इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा दूध में आप लोगों ने हल्दी को उबाल लेना है और जब वो दूध गुनगुना हो जाए तब आप लोगों ने उस दूध को ले लेना है। दोस्तों हल्दी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने में काफ़ी मदद करता है, इससे दर्द और सूजन से भी आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अहम जो रोल हमारे बॉडी में निभाता है वो है हमारी डाइट। अगर हमारी डाइट ही अच्छी नहीं होगी तो हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों ने विटामिन बी, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व अपने डाइट में लेना है। दूध, पनीर, दही, केला, बीन्स, ओटमील आदि आप लोगों ने अपनी डाइट में लेना है। अगर हाथ पैर आपके सुन्न होने के कारण अगर आपके हाथ पैर बार बार सुन्न होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, खून की कमी आप लोगों को हो गई है। तो आप लोगों ने अपनी डाइट में आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में लेना है। खून बनाने वाली चीज़ें होती हैं जैसे गाजर, सेब, अनार, चुकंदर आप लोगों ने खाने हैं।
और सूखे मेवे में अंजीर, भीगे हुए बादाम, भीगे हुए अखरोट, किशमिश आप लोगों ने जरूर खाने हैं। फल में आप लोग हरी सब्जियों का ज्यादातर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों नसों में ब्लॉकेज की जो समस्या होती है वो सारे लोगों को नहीं होती है, ये उन्हीं लोगों को होती है जो सही से डाइट नहीं लेते हैं और ना ही फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और कई घंटों तक एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है। उन लोगों को रोजाना योग करना चाहिए या फिर उन लोगों को रोजाना सैर करना चाहिए, एक्सरसाइज करके अपना पसीना बहाना चाहिए ताकि जो आपकी नसें हैं वो खुल जाएं। अगर आप लोग भी नसों के बंद होने की परेशानी को अनदेखा कर रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अगर आप लोग मेडिसिनें खा रहे हैं तो आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। जो नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग अभी से सतर्क हो जाएं, अभी से अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। तो आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखना है। अगर आप लोग इन दो चीज़ों को सही रखेंगे तो आपकी जो बॉडी में ये नसें नीली पड़ जाती हैं, जो ब्लॉकेज है आपके हाथ पैर जो सुन हो जाते हैं, वो चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप लोग भी अगर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ज़रूर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिएगा, अपनी डाइट को चेंज कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्दी एक और नई हेल्थ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।